कश्मीर का नाम आते ही जो तस्वीर किसी के दिलो दिमाग में बंधी थी, अब उस तस्वीर के मिटने का वक्त आ गया है। कश्मीर का नाम हर बार जिस तरह आतंक से जुड़ता था, उसके भी खात्मे का वक्त आ गया है, क्योंकि कश्मीर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सफलता के झंडे गाड़ रहा है। भारत तक आपको एक ऐसी ही होनहार लड़की के बारे में बताने जा रहा है जिसने भारत का मान बढ़ाया है। श्रीनगर ओल्ड टाउन कश्मीर के कदल इलाके की रहने वाली मुनाजा गाजी ने देश का मान बढ़ाया है। मुनाजा ने मॉस्को में वुशू स्टार चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। यहां उन्होंने 60 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को फाइनल में हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। वुशू स्टार्स वुशू चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने के बाद मुनाजा गाजी ने क्या कहा, जरा सुनिए। ये बताओ कि आपने गोल्ड मेडल लिया है वुशू में, कहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और यहां तक आप कैसे पहुंचे? मैं जब सेवेंथ क्लास में थी तो तब से मैंने वुशू स्टार्ट किया खेलना। तो पहले मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था, मेरा वेट 74 था। इस गेम की वजह से मैंने अपना वेट भी बहुत काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया, और उसके बाद मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते मैं नेशनल लेवल तक पहुँची, वहाँ मेडल सिक्योर किया। उसके बाद नेशनल्स में मेडल सिक्योर करने के बाद मेरी सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हो गई। वहाँ हमारा कोचिंग कैंप 2019 में मेरा पहला इंटरनेशनल मैंने खेला था ब्रुनाई में, वहाँ मैंने सिल्वर मेडल जीता। उसके लिए हमें 3 मंथ्स का कोचिंग कैंप NIS पटियाला में लगा था, वहाँ हमें इंडियन कोच प्रैक्टिस करा रहे थे। और उसके बाद फिर हम ब्रुनाई के लिए गए, वहाँ मेरा सिल्वर मेडल आ गया। वहाँ मैंने कजाकिस्तान, वियतनाम के साथ खेला और चाइना के साथ फाइनल बाउट हुई। और उसके बाद उसके बेसिस पे मेरी सिलेक्शन मॉस्को वुशू स्टार के लिए हो गई, जो मैंने रिसेंटली खेला। और वहाँ पे इसके लिए भी हमारे को 15 डेज़ का कोचिंग कैंप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगा था। वहाँ हमने उसके बाद वहाँ से हम दिल्ली एयरपोर्ट से हमारा फ्लाइट थी तो हम मॉस्को चले गए। मॉस्को में 29 कंट्रीज़ आई थी, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आए थे। वहाँ हमारा उनके साथ कंपटीशन हो गया और उसके बाद वहाँ मैंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था लेकिन हमने कर दिखाया, क्योंकि हमारी जो कोचेज़ है रमीज सर, इरफान सर, मकसूद सर और हमारे इंडियन वुशू एसोसिएशन ऑफ JNK के हमारे कुलदीप हंडू सर जो इंडियन टीम के कोच है, तो उनकी सपोर्ट की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, इन सारे कोचेस की मैं अपना सारा क्रेडिट जो मेडल का अपने कोचेस को देना चाहती हूँ, क्योंकि बिना उनके मेरा ये मेडल नहीं आता, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई। तो वही मुनाजा के पिता अपनी बेटी की कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे हैं। मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है अपनी बेटी पे, जिसने इस मेडल को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की, और साथ में इनके कोचेस ने, खासकर यहाँ के कोचेस जो हैं, ना मतलब उतना इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी लगन दिखाई इसमें, और इसके लिए तैयार किया कि ताकि ये नेशनल में उन प्लेयरों को कम्पीट करें जो नेशनल से मतलब बाकी स्टेटों से आए हैं, तो उनको से हरा के इसने इसे इंटरनेशनल में जगह ली। इंटरनेशनल में जगह लेना ही यहाँ के बच्चों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। मुनाजा ना सिर्फ कश्मीर की लड़कियों के लिए बल्कि पूरे भारत की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई है। मुनाजा गाजी ने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल किए। पिछले साल उन्होंने ब्रुनी में 10वीं एशियाई वुशू चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर देश और राज्य को गौरवान्वित किया था। श्रीनगर से अश्रवानी की रिपोर्ट, भारत तक।